आज ही अक्षय तृतीया है, और ये अक्षय तृतीया बहुत ही पवित्र समय है। इसमें जो कार्य किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, अक्षय हो जाता है। जो आप भजन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, जो आप सेवा करते हो, जो आप परोपकार करते हो, जो आप दान देते हो, वो सब क्या है? अक्षय हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। आज के दिन ही भगवान के अवतार परशुराम जी का आविर्भाव दिवस है, आज के दिन ही वो प्रकट हुए थे इस धराधाम पर। और आज के दिन ही आप देखेंगे पूरे इस्कॉन में विशेष भगवान को चंदन का लेप होता है। आपने अभी भगवान का दर्शन किया तो आपने देखा भगवान को पूरे शरीर पे चंदन लगा हुआ है। इसका कारण क्या है, क्यों ये चंदन का लेप लगाया गया, इसका पीछे एक बड़ी रियल घटना है, सत्य घटना है। गौड़ीय वैष्णव, आप कहीं भी इस्कॉन में ही नहीं, गौड़ीय मठ में, चेतन मठ में, अन्य जितने भी आचार्यों के पास, गौड़ीय संप्रदाय में जाएंगे, वहाँ सब जगह अक्षय तृतीया से लेकर के 21 दिन तक ठाकुर को पूरा चंदन से लेप किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अक्षय तृतीया से 21 दिन तक बहुत गर्मी होता है। अभी तो हम लोग प्रकृति के साथ बड़ा खिलवाड़ करके सब चेंज कर दिया, अभी देखो बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है। जबकि अगर आप पहले देखेंगे, आज के लगभग 20-30-50 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था, और अभी भी आप देखेंगे कि गर्मी दिन प्रतिदिन अभी बढ़ेगी। तो ये घटना है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का तो नाम आप सबने सुना है, उनके गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन में गोवर्धन का परिक्रमा लगा रहे थे, और गोविंद कुंड के पास एक वृक्ष के नीचे वो जाकर के लेटते हैं। तो जैसे ही लेटते हैं तो थोड़ा सा तन्निद्रा, हल्का सा नींद, मतलब सोए भी नहीं, हर हल्का सा, वैसे ही उनके स्वप्न में भगवान आते हैं और बताते हैं कि मैं यहाँ इस स्थान पर हूँ और मुझे यहाँ से निकालो। तो माधवेंद्रपुरी फिर गांव के आसपास के सब लोगों के पास जाते हैं और सबसे बोलते हैं कि यहाँ भगवान का, गोपाल का विग्रह है, यहाँ से निकालना है। तो सारे गांव के लोगों को लेकर के आते हैं, सब कुदाल फावड़ा लेकर के आते हैं, और जो स्वप्न में उनको आदेश हुआ था वहाँ पर जाकर के उनको वहाँ से निकालते हैं। फिर उनको कुंड से, गोविंद कुंड से अभिषेक होता है, भगवान को सुंदर उनका पंचामृत अभिषेक करते हैं गाँव के सारे लोग, और उनको स्थापित करते हैं, और एक ही दिन में उनका सुंदर दिव्य स्थान सारे भक्त मिलकर के तैयार करते हैं। फिर भगवान माधवेंद्रपुरी जी को स्वप्न आदेश देते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए मलय पर्वत से चंदन लेकर के आओ। तो आप सोच सकते हो आज के लगभग 550-600 साल पहले क्या संसाधन होते थे। तो वृंदावन से जैसे ही उनके मन में स्वप्न आता है, उनको भगवान का आदेश मिलता है, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं, वृंदावन से निकलते हैं और पुरी, जगन्नाथपुरी, कहाँ है जगन्नाथपुरी, और वहाँ जाते हैं क्या लेने के लिए, चंदन लेने के लिए। और जब वो जा रहे होते हैं तो गोपीनाथ जी का मंदिर मिलता है, और वहाँ पर जाकर के वो उनके दर्शन करते हैं, और गोविंद जी का, गोपीनाथ जी का जब दर्शन करते हैं तो उनको बड़ी सुंदर खीर अर्पित की जाती है, राम के लिए खीर, बहुत ही स्वादिष्ट खीर होती थी जो बड़ी फेमस थी। तो भगवान को भोग लगाने जा रहे होते हैं तो उनके मन में, माधवेंद्रपुर जी के मन में विचार आता है कि ये खीर जरा चखने को मिल जाए तो हम भी अपने गोपाल को ऐसी ही खीर बना करके हम भी भोग लगाएंगे। लेकिन तुरंत जैसे ही विचार आता है वैसे ही उनके मन में अपराध बोध होता है कि अरे भगवान को ऑफर होने जा रहा है और मेरे मन में ये विचार कैसे आया कि मुझे चखने को मिल जाए। तो बड़ा उदास होकर प्रणाम करके आते हैं और एक तरफ विश्राम करते हैं। उधर भगवान क्या करते हैं, उनको बड़ा गिल्टी होता है कि मेरे मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए था स्वयं को चखने का। इधर भगवान क्या करते हैं, उनके लिए स्पेशल रूप से खीर की व्यवस्था करते हैं और पुजारी जी को स्वप्न देते हैं कि देखो मेरा एक भक्त आया है माधवेंद्रपुरी, वो वहाँ पर है और उसको ले जाओ और ये खीर जाकर के उसको दो। तो वो बोलते खीर, तो वो देखते जाकर के तो भगवान बताते हैं तो वहाँ पर
खीर मिलता है, और उस खीर को ले जाकर के वो जाते हैं और माधवेंद्रपुरी से बोलते हैं कि अरे आपके भाग्य की तो कोई सीमा नहीं, भगवान ने आपके लिए स्वयं खीर चुराई है। और उसी दिन से उन गोपीनाथ का नाम हो जाता है खीर चोरा गोपीनाथ। तो उनके दर्शन आज भी आप लोग जाके कर सकते हैं। और माधवेंद्रपुरी उसको लेकर के बहुत ही भावुक होते हैं कि भगवान ने उनके लिए ऐसा करता है। और क्या होता है कि धीरे धीरे उनका ख्याति बहुत बढ़ जाता है, अरे भगवान ने इनके लिए खीर चुराई, भगवान ने। अब आपको पता चले कि कोई भगवान किसी भक्त के लिए चोरी कर रहे हैं, तो आज तो लोगों में उतना श्रद्धा नहीं है, लेकिन उस समय भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति, साधुओं के प्रति लोगों के हृदय में बड़ा सम्मान था और बहुत आदर भाव रखते थे, बहुत सेवा करते थे। तो उनका ख्याति एकदम दिन रात फैल गया चारों तरफ, तो सारे लोग आने लगे। तो फिर वो वहां से निकले और अब वो तो उनको जाना ही था मले पर्वत पर चंदन लेने के लिए, और वहां से चंदन लेकर के आते हैं। और जब आते हैं तो भगवान फिर उनको स्वप्न देते हैं। भगवान बोलते हैं कि मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई भेद नहीं है, आप ये पूरा चंदन गोपीनाथ जी को दे दो, उनको लगाया जाए। तो वहां पर उनको चंदन को घिसा जाता है और पूरे विग्रह पर लेप किया जाता है। तो ये माधवेंद्रपुरी जी के समय से ये घटना घटती है और 21 दिन तक बराबर चंदन का लेप होता है। आप अगर जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहां पर भी देखेंगे, वहां के जो राजा हैं उनको भगवान ने आदेश दिया था कि तुम मुझे अक्षय तृतीया से विशेष रूप से मेरे ऊपर ये चंदन का लेप किया जाए। तो वहां पर आज भी विशेष रूप से चंदन का लेप आपको जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में देखने को मिलता है। और गौड़ीय परंपरा में माधवेंद्रपुरी के बाद ये नियम बन गया कि हर अक्षय तृतीया के बाद सारे ठाकुर जी विग्रह होंगे उनको चंदन का लेप किया जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये भावना, इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। देखो भगवान और भक्त, भक्त हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा ढूंढते हैं। भक्त भगवान के लिए करता है। आप विचार करें, हम लोगों को जैसे गर्मी होती है तो हम लोगों मन में क्या आता है, हाँ भाई कूलर का सर्विस करवाओ, साफ करो, नई कूलर है तो कूलर खरीदो। अभी जैसे ही गर्मी बढ़ता है कितने कूलर बिक जाते हैं, एसी की सर्विस करवाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। किस लिए? अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए। लेकिन एक भक्त अपने सुख से पहले किसका सुख सोचता है? भगवान का सुख, है ना, संत महात्माओं का सुख, गुरुजनों का सुख। ये संस्कार थे हमारी संस्कृति में, वो सबसे पहले विचार करते थे भगवान की सेवा का, भक्तों की सेवा का, फिर अपना विचार करते थे। तो हम अपने सुख के लिए आजकल कार्य करते हैं, भगवान तो हमारे केंद्र में है ही नहीं। लेकिन जो भक्त हैं वो क्या सोचते हैं, भगवान के लिए पहले होना चाहिए, भगवान के लिए हम चंदन लाएं, भगवान को चंदन लगाएं। और आप में से कुछ भक्त जो चंदन सेवा करना चाहते हैं वो चंदन सेवा ले सकते हैं, चंदन घिसा जाता है। अभी हम लोगों के पास थोड़ा समर्पित तो सेवा करने वाले भक्तों का कमी है, इसलिए हम चंदन का चूरा लेकर के आते हैं और उस चूरे को करके तब भगवान को चंदन लेप लगाते हैं। क्योंकि चंदन घिसने में बड़ा परिश्रम होता है और बड़ी सेवा होती है, लेकिन आजकल के लोगों के पास पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, है ना, हर व्यक्ति के पास बहुत टाइम नहीं है, वो भी चंदन घिसने के लिए। भगवान तो चंदन लगेगा उसके लिए नहीं, बेटा का जन्मदिन मनाने के लिए वो लगा रहेगा पूरे दिन, बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लगा रहेगा, अपनी सुविधा के लिए होगा कुछ तो पूरे दिन नहीं पूरा जीवन निकाल लेगा, लेकिन भगवान की सेवा के लिए उसके पास टाइम नहीं है। और टाइम भी होगा तो सनक के अनुसार, आज उसका मन होगा तो कहो वो 4 घंटे चंदन घिसेगा और अगले दिन पता चलेगा कोई है ही नहीं। तो सेवा करने के लिए भी क्या होना चाहिए, स्थिर भाव होना चाहिए कि हाँ हम नियमित सेवा करें। तो भगवान की सेवा है, आप में से जो लोग करना चाहें वो चंदन आपको यहां मिलेगा, आप चाहें तो स्वयं भी ला सकते हैं और उसको घिस करके भगवान को अपने हाथों से मतलब दे सकते हैं, पुजारी जी अपने हाथों से भगवान को लगाएंगे। तो आज के दिन से ही ये चंदन यात्रा शुरू होती है और 21 दिन तक निरंतर भगवान को ये चंदन लेप किया जाता है। तो आप गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में कहीं भी किसी भी मंदिर में जाएंगे, बल्कि अन्य संप्रदायों में भी विशेष रूप से भगवान को आज चंदन सेवा ये 21 दिन तक किया जाता है। तो ये तो आज का विशेष चंदन यात्रा, जिसको हम सबको, आपके घर में भी अगर ठाकुर हैं, आपके घर में भी अगर, वैसे तो हम किसी को शुरुआत में अर्चा विग्रह की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि हम सबके पास पैसे होते हैं और हम सबके पास कुछ ना कुछ भाव होता है, तो हम लोग भगवान तो खरीद ही लाते हैं, वो अलग बात है। फिर उनको रोज नहलाया जाए या न नहलाया जाए,
उनको रोज वस्त्र चेंज किए जाएं या न किए जाएं, उनको बच्चे की तरह या घर के एक परिवार के सदस्य की तरह उनका सेवा किया जाए या न किया जाए, भगवान तो ले आते हैं और अपना मंदिर बना करके बिठा देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो जितने टाइम आप भोजन करते हो, जब आप कुछ खाते हो तो सबसे पहले भगवान को ले जाते हो, भोग लगाते हो, तब खाते हो? कितने लोग हैं आप में से? वेरी गुड। लेकिन देखो आप सब देखो कितनी संख्या कम है। बहुत से लोग हैं जो बिना भगवान को भोग लगाए खा जाते हैं। तो भगवत गीता में इन लोगों के लिए क्या कहा गया? यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय ये भुजंते तो गम पापा पजंते आत्म कारणा। जो भगवान को अर्पित किए, यज्ञ में अर्पित किए यानी भगवान को भोग लगा करके जो प्रसाद खाते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपनी इंद्री के लिए, इंद्री तृप्ति के लिए भोजन बनाते और खाते हैं वो पाप खाते हैं। तो जो भगवान को बिना भोग लगाए खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। और पापी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो हम सब लोगों को ये विचार करना चाहिए, हमें बिना भगवान को अर्पण किए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें विचार रखना चाहिए। आप विचार करो, भगवान को तो आप बाद में सोचेंगे, पहले आप सोचो। अगर आपके बच्चे आप कमा के ला रहे हो, आप राशन ला रहे हो, आपने घर बनवाया, आपने किचन बनवाई, आप गैस लेके आए, आप सिलेंडर लेकर के आए, और तो और लाइटर और माचिस भी आप ही लेकर के आए, और आपका बच्चा आता है और बनाता है सब और खा जाता है, आपको पूछता नहीं है, आपको कैसा लगेगा? तब आप तुरंत कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मालिक हूं, मैंने सब कुछ किया, मुझे बिना पूछे कैसे हो गया ऐसा? लेकिन आप भगवान के प्रति क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं? भगवान सब कुछ, भगवान दिया, अनाज किसने दिया, दाल किसने दी, सब्जी किसने दी, फल किसने दिए, ड्राई फ्रूट्स किसने दिए, जो कुछ भी है, अग्नि किसने दी, सब कुछ भगवान दे रहा है, लेकिन उसी भगवान को हम लोग अर्पण नहीं कर रहे हैं और हम भगवान को इग्नोर करके, उपेक्षा करके उसका भोग कर रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से क्या करते हैं? पाप खाते हैं, और पापी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो आज अक्षय तृतीया के दिन आप संकल्प ले सकते हैं कि हम भगवान को ऑफर करके ही खाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान को तमोगुणी भोजन ऑफर नहीं किया जाता। अब आप ऐसा मत करना कि आमलेट का भोग लगा दो, या प्याज लहसुन का भोग लगा दो, या प्याज लहसुन से बने हुए भोजन का भोग लगा दो, या कई बार लोग चाय का भोग लगा देते, कॉफी का भोग लगा देते। तो भगवान को ये तमोगुणी वस्तुएं, चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, इनका भोग नहीं लगाया जाता। कई तमोगुणी देवी देवता हैं जिनको ये ऑफर किया जाता है, लेकिन परम भगवान को तमोगुणी भोजन का भोग नहीं लगाया जाता, उनको अर्पित नहीं किया जाता। तो आपको बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाना है और उसको भगवान को खिलाना है, और उसके बाद आपको ग्रहण करना है, सब में तुलसी डालना है, प्रॉपर भोग लगाना है, और उतनी देर रखना है जितनी देर हम भोजन करते हैं। हमको 15-20 मिनट लगता है भोजन करने में, तो जितनी देर हमको लगता है उतनी देर हमको भगवान के पास रखना चाहिए पर्दे को बंद करके, और 15-20 मिनट बाद पर्दे को उठाना चाहिए और फिर उस प्रसाद को पूरे प्रसाद में मिलाना चाहिए, फिर खाना चाहिए। तो ये हमारा नियम होना चाहिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आध्यात्मिक उन्नति भाग 22 का नामामृत और प्रचार ही सार। तो कृपया ध्यान से सुनिए, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। भगवान के पवित्र नाम का जप ही विश्व को ठीक तरह से रखने का पवित्र उपाय है। माया का जगत दुराश्रय कहलाता है, जिसका मतलब झूठा और खराब आश्रय। जो व्यक्ति अपना विश्वास दुराश्रय में रखते हैं वह आशा के विपरीत, आशा के उम्मीदवार हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में सभी लोग प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं, वे इस प्रयास में हर तरह से परेशान हैं, फिर भी अपने अंधकार के कारण वे अपनी गलतियों या बुराइयों को नहीं समझ सकते। भौतिक जगत में जीवन के जीने के लिए संघर्ष का यही तरीका है। अगर ऐसी दशा में कोई उन्हें कृष्ण भावना भावित होने की सलाह देते हैं तो वे इसके निर्देश को नहीं मानते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में सिर्फ यही अज्ञानता को दूर करने के लिए है। ज्यादातर लोग अंधे नेताओं द्वारा गलत रास्ते पर ले जाए जाते हैं। मानव समाज के नेता, राजनीतिक नेता, दार्शनिक नेता और वैज्ञानिक सभी अंधे हैं।
क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं है। भगवत गीता के अनुसार वे सभी प्रमाणिक ज्ञान से रहित हैं और अपने नास्तिक स्वभाव और नास्तिक जीवन के कारण वे पापी, मूर्ख और मनुष्यों में सबसे निम्न हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्धन्ते नराधमा माया अपरत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवत गीता 7:15। ऐसे व्यक्ति कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते और वे दूसरे लोग जो कृष्ण को समर्पण करना चाहते हैं उनका विरोध करते हैं या उपहास करते हैं। ऐसे नास्तिक लोग जब समाज के नेता बन जाते हैं तो पूरा सामाजिक वातावरण ही अंधकारमय हो जाता है। ऐसी दशा में लोग आसानी से कृष्ण भावनामृत आंदोलन को पाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते। उसी तरह जैसे एक पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को मिठाई का कोई स्वाद नहीं आता, लेकिन व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति का इलाज भी वह विशिष्ट मिठाई शुगर कैंडी ही है। इसी तरह आज के मानव की इस परेशान अवस्था में कृष्ण भावनामृत अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप व कीर्तन ही विश्व का ठीक तरह से रखने का एकमात्र तरीका है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो तो क्या करना चाहिए? भगवान का शरण लेना चाहिए। तो भगवान का शरण कैसे लेंगे, कौन लेगा और कौन नहीं लेगा? पहले तो ये जानो भगवान क्या है। आप में से कितने लोग भगवान से मिले? कोई मिला है? कोई नहीं मिला जी? हाँ, वेरी गुड। नाम ही भगवान है। तो जो भगवान का नाम ले रहा है इसका मतलब क्या है? उसने भगवान की शरण ले रखी है। और जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है इसका मतलब क्या है? उसने अभी भगवान को स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं हम बोलते हैं, अरे ऐसा थोड़ी है, मैं पिता को मानता हूं लेकिन पिता की नहीं मानता। अगर आप पिता को मानते हो तो पिता की मानोगे मानोगे, और अदरवाइज आप पिता को बोल भले ही रहे हो मानते हो लेकिन आप किसी की नहीं मानते, आप अपने मन की मानते हो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरा नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, रंच मात्र भी भेद नहीं है। और अगर हम भगवान का ही नाम नहीं ले रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ा बड़ा चिंतन, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो इसका मतलब क्या है कि हमने भगवान का शरण नहीं लिया। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से आया कलयुग केवल, और वर्णन तुलसी बाबा बोलते हैं चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, अन्य कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम कलयुग में हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहे। कम से कम 16 माला का नाम का जाप प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो उसका श्लोक है, वर्णन है, क्या है? नमान दुष्कृतने मूढ़ा, जो निपट मूर्ख हैं वो भगवान का नाम नहीं लेंगे, वो भगवान का नाम जप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख, भले ही वो कितना विद्वान मानते रहे लेकिन अगर वो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान का शरण नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या है? हम मूर्ख हैं। और जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, ये श्रेणी के लोग कई बार आ जाते हैं इसमें, माया अपहृत ज्ञाना, इसका मतलब क्या है? जिनको ज्ञान तो है लेकिन माया देवी ने क्या किया है, उनके ज्ञान का हरण कर लिया है, इसलिए वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उस पर अपना आचरण नहीं ला पा रहे हैं। तो माया अपरत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो हम लोगों का गिनती इन 4 में है कि नहीं है? है? हाँ, ईमानदारी की बात है, हम लोगों को समझना चाहिए। हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, कई बार आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव, भगवद गीता का 16वां अध्याय,
उसमें वर्णन है आसुरी स्वभाव देवी स्वभाव। अगर हमसे पूछा जाए कि हम कौन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम देवी स्वभाव के हैं। अरे देवी स्वभाव के हैं तभी तो मंदिर आ रहे हैं, देवी स्वभाव के हैं तभी तो हम गीता पढ़ रहे हैं, देवी स्वभाव के हैं तभी तो हम नाम जप कर रहे हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से गीता में देवी स्वभाव का वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे और विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि हम लोग आसुरी प्रधान जीवात्माएं हैं। लेकिन हां, अगर हम भगवान के शरण ले लेंगे, नाम की शरण ले लेंगे तो क्या फायदा होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुधवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो हम भगवान के नाम कीर्तन को पकड़ लेंगे, वरना बल चर्चाएं बहुत होंगी लेकिन मूल बात को छोड़ देंगे। ब्रह्मनारदी पुराण में स्पष्ट कहा गया, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गत्यनंदता। और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं, हम नाम जप नहीं करते, हम भगवान का भजन नहीं करते, हम भगवान को पुकारते नहीं है, और पुकारते भी हैं तो प्रेम से नहीं पुकारते, भगवान में ध्यान नहीं रखते। तो हम सब लोगों को इसको समझना होगा और अपनी इन बुराइयों से बाहर निकलना होगा और कम से कम 16 माला का जाप नियमित करना होगा। तो आज अक्षय तृतीया से हम संकल्प ले सकते हैं, जो 16 माला कर रहे हैं वो ध्यान से करें, जो नहीं कर रहे हैं वो आज से संकल्प ले सकते हैं कि नहीं आज से हम कोशिश करेंगे कि हम नियमित 16 माला का जाप करें, कम से कम 16 माला। ये 16 माला मिनिमम है। भगवान ने क्या कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमा नमस्कुरु, है ना, सर्वधर्मान प्रत्यज्य, सब छोड़ो, मेरा मेरा चिंतन करो, मेरी शरण में आओ, मुझे भजो, मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग भगवान की इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ईमानदारी से भगवान की बात को स्वीकार करेंगे और बहुत ही सरल है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो क्या होगा, भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाएंगे और भगवान का डेली सानिध्य होगा हमारा। योग, योग का मतलब क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। तो जैसे ही आप महामंत्र बोलते हो वैसे ही आप भगवान से जुड़ते हो कि नहीं जुड़ते हो, तुरंत जुड़ जाते हो। तो भगवान से जुड़ने का ये सबसे सरल माध्यम है, इसलिए कृपया इसको गंभीरता से लीजिए। आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में, रसिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में लोग कृष्ण भक्ति को, हरे कृष्ण महामंत्र को गंभीरता से ले रहे हैं। आप वृंदावन धाम में जो कि धाम है, आप अयोध्या में, काशी में जाएंगे तो आपको ढेरों ढेरों अन्य अन्य संप्रदाय के लोग भी भगवान का भजन, भगवान का नाम गान करते हुए, महामंत्र का जाप करते हुए दिखेंगे। तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये नाम जप के प्रति हम सबको बहुत गंभीर होना चाहिए, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। तो जो लोग 16 माला नहीं करते हैं उनको ये संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम 16 माला का ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनते हुए और 10 अपराधों से बच करके जो नाम जप करेगा उसको इसी जीवन में सिद्धि लाभ होगा, उसका जीवन इसी जीवन में पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। और वो पूर्णता क्या है, हमारे जीवन में अधूरापन है या पूर्णता है, क्या विचार है, अधूरापन है, अधूरापन है, इसीलिए तो पूर्ण करने के लिए हम लोग परेशान रहते हैं। ये चाहिए, घर मिल जाए, पैसा मिल जाए, स्त्री मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मिल जाए, ये हो जाए, इससे पूरा हो जाएगा, इससे पूरा हो जाएगा, इससे पूरा हो जाएगा। लेकिन सब कुछ करते रहते हैं, कभी ये पूर्णता खत्म होती है या कभी खत्म होगी, क्यों खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि जो वास्तविक पूर्णता है उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम अगर भगवान का भजन करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान से अपने को जोड़ें तो आप देखेंगे कि आपके अंदर पूर्णता को प्राप्त करेंगे। और जैसे जैसे आप पूर्ण होंगे वैसे वैसे आप अपने आप में आनंदित होने लगेंगे, आपको बाहर से आनंद की आवश्यकता नहीं है, बाहर से सुख की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमको बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान की शरण लेनी चाहिए और भगवान के चिंतन को बढ़ाना चाहिए। मैं बार बार आप सबसे बोलता हूं, हम लोग किसका चिंतन करते हैं ज्यादा, भगवान का या संसार का? तो दुखी रहते हैं कि सुखी रहते हैं,
कब तक रहेंगे? बोले जन्म जन्मांतर तक, क्योंकि आदत सुधारेंगे नहीं। भगवान का चिंतन कम करेंगे और संसार का चिंतन ज्यादा करेंगे। ये हम रोज करते हैं, जान रहे हैं, जानिया बूझिया विष खाइया, ये हम लोगों का स्थिति है। जान बूझ करके विष खा रहे हैं, जान रहे हैं कि संसार में दुख है, जान रहे हैं इसमें कोई लाभ नहीं है, कोई सार नहीं है, फिर भी सांसारिक संबंधों को, सांसारिक विचारों को, सांसारिक चर्चाओं को ही प्रधानता दे रहे हैं। और भगवान के नाम जप को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुण को, भगवान के धाम को, भगवान के जनों को महत्व तो नहीं दे रहे हैं। ये हमारी समस्या है। इसलिए हम सबको बहुत सावधान होकर के शरण लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला का जाप प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति माया का दुराश्रय, जो माया की शरण में है, वो निश्चित रूप से भगवान की शरण में कैसे जाएगा? वो दुराश्रय ले लिया है उसने, आश्रय तो है लेकिन किसका आश्रय है? खराब आश्रय है। हम लोग, हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने, जो किसी का आश्रय न लिए हो, है? लेकिन हमने किसका आश्रय लिया है? संसार का, भगवान का आश्रय नहीं लिया। हम भगवान का आश्रय लेकर के देखें और फिर हम देखेंगे कि यही जीवन हमारा आनंदमय हो जाएगा। तो प्रचार ही सार है। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गंगा जल इसलिए विख्यात है कि यह सभी प्रकार के पापों के फलों को धो देता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के कलमस धुल जाते हैं। गंगा जी की ऐसी महिमा का कारण यह है कि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली हैं। उसी प्रकार से जो प्रत्यक्ष श्री भगवान के चरण कमलों के संपर्क में और जो उनके गुणगान में व्यस्त रहते हैं, वे सारे भौतिक कलमसों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे अनन्य भक्त सामान्य बद्ध जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर का गीत है, भगवान चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली हैं कि उनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड के लोगों को बंधन से मुक्ति दिला सकता है। दूसरे शब्दों में भक्तों का कार्य है वे भगवान की महिमा का प्रचार करें और सभी बद्ध जीवों को शुद्ध सत्व तक पहुंचाएं। तो हम सबको ये देखना चाहिए, गंगा जी में पाप को हरने की विशेष शक्ति है ना? कैसे आई ये शक्ति गंगा जी में? हाँ, क्योंकि वो भगवान का चरण कमलों से आई, वो चरणामृत है। भगवान के चरणों से स्पर्श होने से गंगा जी में वो शक्ति आ गई कि प्रत्येक पापी के पाप धुल सकती है। तो आप विचार करो, जो व्यक्ति भगवान के नाम की शरण लेगा, जो भगवान का निरंतर चिंतन करेगा, वो कितना पवित्र होगा। शास्त्र में वर्णन है, गंगा माँ भगवान से पूछते हैं कि भगवान, कलयुग में एक से एक पापी आकर के क्या करेंगे? मुझ में अपने पाप धोएंगे, तो मेरा पाप कौन धोएगा? भाई सारे पापी आकर के मुझ में नहाएंगे तो वो पाप अपना मुझ में डाल देंगे, तो मेरा शुद्धिकरण कैसे होगा? तो भगवान बताते हैं कि वैष्णव आएंगे, भगवान के मान भक्त आएंगे, जो भगवान की शरण लिए होंगे, महामंत्र का जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान मय होंगे। ऐसे भक्त आकर के जब आप में स्नान करेंगे तो वो आपको भी क्या करेंगे? पवित्र कर देंगे। इसीलिए भगवान के भक्तों को चलता फिरता तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ में तो हम लोग जाते हैं तब पवित्र होते हैं। और कई बार आप सबने अनुभव किया होगा, आप में से कितने लोगों ने तीर्थ यात्राएं की हैं, बताइए ईमानदारी से, तीर्थ यात्राओं में गए हैं? लेकिन तीर्थ यात्रा करने के बावजूद भी क्या पाप बुद्धि नष्ट हुई? पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हुई? केवल एक भाव आता है, हाँ हमने इतने तीर्थ कर लिए हैं। और कई बार जब लोग सही तरीके से तीर्थों का सेवन नहीं करते तो उनके अंदर अहंकार आता है, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए, चारों धाम हुआया हूं मैं, लेकिन उनके चित्त में कोई शुद्धि नहीं होती। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त की शरण में जाता है, वैष्णवों की शरण में जाता है,
तो भगवान के भक्तों का दर्शन मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान के भक्तों ने गाया है, भगवान के दर्शन करने से क्या होता है, हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। और अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण लाभ करें, ध्यान पूर्वक सुने, तो क्या फायदा होता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हम कलमश रहित हो जाते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान के भक्तों का शरण लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की भक्ति से परिचित कराएं, हम उनको महामंत्र का जप कराएं, उनको भगवान की शरण में लाएं। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त, जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं, जो उनके सच में शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की बात मानते हैं, शुद्ध भक्त का मतलब होता है जो भगवान और गुरु की बात को एज इट इज मानता है, पत्थर की लकीर मानता है, वो शुद्ध भक्त है। तो ऐसा शुद्ध भक्त ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता है, एक व्यक्ति तो छोड़ो पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें महाप्रभु की शरण मिली है, चैतन्य महाप्रभु की, और हम सब भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझ पा रहे हैं और बड़े सरल तरीके से आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इतनी सुविधा होने के बावजूद भी हमने लाभ नहीं उठाया तो निश्चित रूप से हम सब आत्मघाती हैं, हम अपने ही शत्रु हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान की भक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए, ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, ये जीवन की आवश्यकता है। तो कृपया भक्ति को गंभीरता से लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक जपिए, हर एकादशी को व्रत करिए, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह 16 माला का जाप करिए, गीता का एक श्लोक नियमित पढ़िए। आज सुबह सुबह हम लोगों ने चर्चा किया था 7:30 बजे से 8:30 बजे ऑनलाइन यूट्यूब और जूम के माध्यम से, आप में से कितने लोगों ने अटेंड किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अटेंड नहीं किया। तो आपसे निवेदन है कि कृपया कोशिश करिए कि हर संडे जूम और यूट्यूब चैनल पर आइए और उस पर आकर के आप गीता का एक एक श्लोक का श्रवण लाभ करिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आप एक एक श्लोक को समझ पाएंगे और उसमें प्रवेश कर पाएंगे, आपका कोई प्रश्न होगा तो पूछ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।